क्या आपको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हमेशा थोड़ी खाली ही क्यों होती हैं, पूरी क्यों नहीं भरी होती? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, तो आपका जवाब होगा राइट ब्रदर्स। लेकिन मैं अगर कहूँ नहीं, तो क्या आप मानेंगे? और यह शख्स जो यूं बैठा है, ये आखिर कौन है? इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 5, भारत में तो ट्रेन अक्सर लेट होती हैं और यहाँ के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ट्रेन 35 सेकंड लेट थी, तो ड्राइवर ने देर से आने के लिए माफी मांगी और सेंट्रल जापान रेलवे ने उस ट्रेन के सभी यात्रियों का टिकट का किराया वापस कर दिया था। नंबर 4, यह बात तो पूरा विश्व जानता है कि हवाई जहाज बनाने का श्रेय ऑरविल व विल्बर नाम के अमेरिकी राइट बंधुओं को दिया जाता है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले वर्ष 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक भारतीय नागरिक ने मुंबई की चौपाटी के नज़दीक सार्वजनिक तौर पर हवाई जहाज को उड़ाया था और उस विषय पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम हवाई जादा है, और यह फिल्म बहुत हद तक सच को सामने लाने में सफल रही है। दोस्तों, क्या आपने यह फिल्म देखी है? हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। नंबर 3, दोस्तों अगर आप मीम्स से शौकीन हैं और अगर आप इस बंदे को नहीं जानते तो फिर क्या आप मीम्स देखते हैं? दरअसल इनका नाम ऑस्टिया थीम है, जो नाइजीरिया के सुपरस्टार हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अनगिनत मीम्स दिए, मगर यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह कोई बच्चे नहीं बल्कि 38 साल के आदमी हैं, लेकिन दुर्लभ बीमारी की वजह से इनकी शक्ल बच्चे जैसी हो गई है। नंबर 2, दोस्तों हम में से हर कोई कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता होगा, पर कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है वो कभी भी पूरी भरी नहीं होती है, थोड़ी बहुत खाली जरूर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनने के बाद उसको अलग अलग जगह बेचा जाता है, जिसकी वजह से उसको अलग अलग तापमान सहने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा ठंडा तापमान हो तो बोतल सिकुड़ जाती है, और ज़्यादा गर्म तापमान हो तो बोतल फैलने लगती है, इसलिए बोतल में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है ताकि तापमान बदलने की वजह से बोतल पर प्रभाव ना पड़े और बोतल पहले जैसी रहे। दोस्तों, क्या आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में ये बात पहले पता थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 1, आप लोगों ने अगर कभी एरोप्लेन में यात्रा करी है तो आपको यह बात जरूर पता होना चाहिए कि एरोप्लेन में थर्मामीटर नहीं ले जा सकते, क्योंकि जिन थर्मामीटर में मरकरी होती है वह हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते, क्योंकि हवाई जहाज के कई सारे भाग एल्यूमिनियम से बनते हैं, और गलती से भी मरकरी एल्यूमिनियम के साथ संपर्क में आ गई तो वह उसमें जंग लगा देगी और उसको पिघला देगी, जिससे कि खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को एक लाइक देकर उसकी शोभा ज़रूर बढ़ाएं, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें व सामने दिख रही बेल के निशान को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में कुछ नई व अनजानी बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।